जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी सच सामने होकर भी छुपा रह जाता है। ऐसी ही कभी कोई चीज मामूली है या जादुई, वो केवल देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन क्या यहां सचमुच थी कोई जादुई मूर्ति, और क्यों एक कॉलेज स्टूडेंट को बुलाया गया मूर्तियों के काले बाजार में, और कौन लगाएगा मूर्तियों की सबसे ऊंची कीमत? अरे मिस्टर पुष्कर, आप आ चुके हो। प्रभाकर पुष्कर को देखते ही उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया था। मिस नारनी इस जगह की मालकिन थी, वो सबको एड्रेस करते हुए कहती है, प्लीज एवरीबडी कीप साइलेंस, मिस्टर पुष्कर को जल्दी से एक सीट दीजिए। तभी एक मोटे आदमी ने जोर से कहा, ठीक है, क्योंकि मिस्टर प्रभाकर के लोग यहां आ चुके हैं तो चलो अगले कुछ आइटम जल्दी से निपटा लें। देखो सब लोग, ये चीज एक गोल्डन तलवार है, यह असली सोने से बनी है, इसे पिछले महीने दो लुटेरों ने खोजा था। पुष्कर जैसे ही खड़ा होने वाला था तभी उसके आगे बैठे एक आदमी ने पुष्कर से कहा, लड़के ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तांत्रिक गिरी ने फिर से कहा, मिस्टर प्रभाकर मैंने इसे पहले ही देख लिया है, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप इस बच्चे को आगे आकर तलवार के साथ मौज मस्ती में शामिल होने दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा समय बहुत कीमती है, अब चूंकि आपकी मदद करने के लिए कोई और है तो मैं चला जाता हूं। प्रभाकर ने कुछ एम्बैरेसमेंट के साथ पुष्कर की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर पुष्कर आप अभी बैठें और चिंता ना करें, मैं आपको एक मौका जरूर दूंगा। पुष्कर अजीब से तरीके से मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे वापस बैठ गया, लेकिन सामने खड़े हुए आदमी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सभी ने गोल्डन तलवार देख ली है इसलिए अब हम देर नहीं करेंगे, आइए बोली लगाना शुरू करें। 30 लाख बोली की शुरुआत हो चुकी थी। 40 लाख प्रभाकर ने भी कीमत बढ़ा दी, कीमत को 1 करोड़ से भी ऊपर के भयानक स्तर तक बढ़ा दिया गया और अंततः कीमत रुक गई। तभी तांत्रिक गिरी ने धीरे से प्रभाकर से कहा, आप चाहे तो बोली को और भी बढ़ा सकते हैं, फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यह सुनते ही प्रभाकर ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत 1 करोड़ 20 लाख की ऊंची कीमत की बोली लगा दी। आखिर में प्रभाकर ने अपनी कीमत पर तलवार हासिल कर ली थी। जेंटलमैन ये आखिरी है, ये चीज एक जादुई हथियार है और ये अनमोल है, आप सभी एक नजर इसे देखिए। सामान बेचने वाला आदमी बोला, वो एक मुकुट था, ये मुकुट अलग अलग रंगों के 3 रत्नों से जड़ा हुआ था जो इसे बेहद चमकदार बना रहा था। क्या ये कोई जादुई हथियार है? मिस्टर प्रभाकर ये वास्तव में एक जादुई हथियार है, तांत्रिक गिरी ने गहरी आवाज में समझाया। तभी शुभांकर अचानक हंसा और बोला, तो फिर क्या आप ये भी जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तांत्रिक गिरी ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक मैं इसे अपने सिर पर पहन सकता हूं। तांत्रिक गिरी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके इसलिए उन्होंने तुरंत उस मुकुट को अपने सिर पर रख दिया कि तभी उनके मुंह से उफ की आवाज निकली और उन्होंने तेजी से मुकुट को नीचे फेंक दिया। सभी ने तुरंत देखा कि तांत्रिक गिरी के सिर के ऊपर से जलने की गंध आ रही थी, यहां तक कि उनके बाल भी काफी जलकर नीचे गिरने लगे थे जिससे उनके सिर का आकार अजीब हो गया था। शुभंकर ने कहा, अगर किसी को इसे पहनने का तिलस्मी मंत्र नहीं आता है, पूरे संसार में कोई भी नहीं है जो ये समझ सके इस मुकुट का उपयोग कैसे किया जाए। तभी प्रभाकर ने पुष्कर की ओर देखा और कहा, मिस्टर पुष्कर क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? पुष्कर इस समय इत्मीनान से चाय पी रहा था, उसने प्रभाकर की बात सुनी और मुकुट की ओर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, यह जादुई हथियार बिल्कुल भी नहीं है, इसके 10 लाख से ज्यादा मत देना। क्या यह जादुई हथियार नहीं है? एक पल के लिए हर कोई भौचक्का रह गया और फिर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्रभाकर इतना घबरा गया था कि उसने तुरंत उस सामान बेचने वाले आदमी से माफी मांगी। आखिर में शाहिंद्र ने इस मुकुट को 50 लाख में खरीद लिया जिसे देखकर पुष्कर को बहुत हंसी आई। जब सभी ने सोचा कि मामला खत्म हो गया है, शाहिंद्र ने अचानक एक मूर्ति निकाली और मिस नलनी से कहा, मिस नलनी क्या आपको अभी भी ये मूर्ति याद है जो आपने मुझे पहले बेची थी? मिस नलनी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप नीचे रखा और देखा कि मूर्ति का आकार लगभग 1 फुट था और वो किसी देवता की तरह लग रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है,
ये वो मूर्ति है जिसे मैंने किसी से खरीद कर आपको बेचा था, मिस्टर शाहिंद्र। शाहिंद्र थोड़ा नाराजगी से बोला, आपने मुझे बताया था ये एक जादुई मूर्ति है, लेकिन मैंने घर पर 3 दिनों तक इसकी जांच की, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं महसूस हुआ। मैं इसे वापस करने के लिए लाया हूं, मुझे मेरे 2 करोड़ वापस कर दो। मिस नलनी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, ये तो मुश्किल है। आप ये भी जानते हैं कि मैं सिर्फ एक बिचौलिया हूं। अब जबकि डील पूरी हो गई है, मुझे लगता है कि अब इसे वापस करना आपके लिए सही नहीं होगा। एक जोरदार आवाज के साथ शाहिंद्र ने मूर्ति को चाय की मेज पर पटक दिया। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और अचानक मिस नलनी और बाकी लोगों से कहा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस मूर्ति को 2 करोड़ में खरीदूंगा। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए थे, सभी ने पुष्कर की ओर देखा। तांत्रिकगिरी तुरंत गुस्से में आ गए, मूर्ति की कीमत लगाने की तुम्हारी औकात नहीं है, भूलो मत कि तुम मिस्टर महेंद्र के नौकर हो और बोली लगाने का हक सिर्फ मालिकों को है। पुष्कर ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर मिस्टर महेंद्र इसे नहीं खरीदना चाहते तो मैं इसे खरीदता हूं, मैं 2 करोड़ दूंगा, ये मूर्ति मेरी हुई। लड़के, हमने 2 करोड़ कहा, 2000 रुपए नहीं, इतने पैसे तेरे पूरे खानदान ने भी देखे हैं। यदि तुम्हारे पास सच में 2 करोड़ हैं, तो मैं मिस नलनी को सामान वापस नहीं करूंगा और इसे सीधे तुम्हें बेच दूंगा। शाहिंद्र को पता था कि इस तरह सामान वापस करने से वो कई लोगों को नाराज करेगा। पुष्कर ने सीधे एक कार्ड निकाला, ये वो 2 करोड़ थे जो उसे रंगा ने दिए थे। उसे पैसों को इतनी जल्दी खर्च करने की उम्मीद नहीं थी। तुरंत पुष्कर के कार्ड से 2 करोड़ स्वाइप किया गया और 1 फुट से अधिक लंबी वो किसी देवी पुरुष की मूर्ति पुष्कर के हाथ में दे दी गई। तांत्रिक गिरी हंसे, इस टूटी हुई मूर्ति में कौन सी शक्तियां होंगी, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। आखिर पुष्कर ने एक टूटी मूर्ति के लिए क्यों खर्च कर दिए 2 करोड़ रुपए? क्या सचमुच वो मूर्ति जादुई थी और क्या पुष्कर जान पाएगा उस मूर्ति का रहस्य? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और भूकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।